142 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद मंडी शहर का ऐतिहासिक विक्टोरिया पुल वाहनों के भार से मुक्त होने जा रहा है। विक्टोरिया पुल के साथ 25 करोड़ की लागत से नया पुल बनकर तैयार हो गया है। इस पुल के उद्घाटन के लिए सीएम का इंतजार किया जा रहा है। क्या है विक्टोरिया पुल का इतिहास और कैसे मिलेगी नए पुल से शहर वासियों को राहत, जानिए इस रिपोर्ट में। राजाओं के राज और अंग्रेजी हुकूमत में निर्माण कार्यों को कितनी निष्ठा के साथ किया जाता था, इसका जीता जागता उदाहरण मंडी शहर की वो प्राचीन इमारतें हैं जो आज भी उसी शान और शौकत के साथ खड़ी है जैसे अपने निर्माण के वक्त में थी। इन्हीं में से एक है 142 वर्ष पुराना विक्टोरिया पुल। 1877 में मंडी रियासत के तत्कालीन राजा विजय सेन ने ईमान में जीती कार को शहर तक पहुंचाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत से ब्यास नदी पर पुल का निर्माण करवाया था। अंग्रेजों ने 1 लाख की लागत में इंग्लैंड में बने विक्टोरिया पुल की तरह यहां पर भी पुल का निर्माण किया और इसे भी विक्टोरिया पुल का नाम दे दिया गया। हालांकि इसे पुल केसरी के नाम से भी जाना जाता है। 1877 से बना यह पुल आज 142 वर्ष का हो चुका है। जब भ्यूली में पुल नहीं था, जो पठानकोट से कुल्लू मनाली के लिए जाने वाले सभी प्रकार के छोटे बड़े वाहन इसी पुल से होकर जाते थे। बाद में भ्यूली पुल बना तो यहां से बड़े वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई और शहर के लिए जाने वाले छोटे वाहनों को यहां से जाने की अनुमति दी गई। 142 वर्ष तक सभी प्रकार के वाहनों का भार ढोने के बाद अब इस पुल को वाहनों के भार से मुक्ति मिलने जा रही है। पूर्व मंत्री और सदर विधायक अनिल शर्मा ने जब विक्टोरिया पुल के साथ नए पुल की जरूरत को महसूस किया तो उन्होंने नए पुल के निर्माण को विधायक प्राथमिकता में शामिल किया। वर्ष 2015 में उन्होंने तत्कालीन सीएम वीरभद्र सिंह इसका शिलान्यास और 18 करोड़ के बजट का प्रावधान भी करवाया। नवंबर 2016 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हुआ और 3 वर्षों के बाद नया पुल बनकर तैयार हो गया है। पुल का निर्माण सुंदरनगर के क्लास 1 कॉन्ट्रैक्टर अजय शर्मा ने किया है। अब तक इस पुल के सारे निर्माण पर 25 करोड़ की राशि खर्च हो चुकी है। विधायक अनिल शर्मा ने पुल बनने पर प्रसन्नता जताई और इसे शहर वासियों के लिए एक बड़ी सौगात बताया है। उन्होंने कहा कि पुल के बनने से पुरानी मंडी और खलियार सहित शहर के लोगों को भी बेहतर सुविधा मिलेगी। मेरे मन की सोच थी कि शहर को यदि बड़ा ब्रिज बन जाएगा तो उससे विक्टोरिया के ऊपर जो बहुत बड़ा प्रेशर ट्रैफिक का है, क्योंकि अधिकतर स्कूल जो है वो खलियार साइड है और स्कूलों के लिए आव जाएगी जो है सवेरे और शाम के लिए प्रॉब्लम आती थी, तो मेरे था कि मैं इस ब्रिज के बनाने का जो मैंने एक विधायक प्राथमिकता में इसको डाला और पूर्व सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री जी का भी आभारी हूँ कि उनको मैंने बाध्य किया जबकि इसमें बजट का वो प्रावधान नहीं था और विधायक प्राथमिकता में डालने के बाद भी अभी DPR भी इसकी जो है अप्रूवल नहीं हुई थी, पर उन्होंने मेरे कहने के ऊपर इसका फाउंडेशन स्टोन रखा और लगभग 18 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार के माध्यम से इसमें खर्चा किया जा चुका है और उसके बाद मैंने जो प्राथमिकता में DPR मेरी मंजूर हुई उसमें 25 करोड़ रुपया जो है इस ब्रिज के लिए जो है अप्रूव हुआ है। लोक निर्माण विभाग के पुल के उद्घाटन के लिए सीएम जयराम ठाकुर से समय मांगा है। बताया जा रहा है कि इस महीने के अंतिम सप्ताह या अगले महीने के पहले सप्ताह में सीएम मंडी आकर इस पुल का विधिवत रूप से उद्घाटन कर देंगे। लोक निर्माण विभाग डिवीजन नंबर 2 के अधिशासी अभियंता KK शर्मा ने बताया कि पुल बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया है। उन्होंने बताया कि नए पुल से वाहनों की आवाजाही शुरू होने के बाद ऐतिहासिक विक्टोरिया पुल को यातायात के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। इस पुल को सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए रखा जाएगा और समय समय पर इसकी उचित मुरम्मत भी देखरेख भी की जाएगी। जो पुराना विक्टोरिया ब्रिज यहाँ पर है 1870 का बना हुआ, उसको मेन ट्रैफिक के लिए बड़ी गाड़ियों के लिए बंद कर दिया गया था जब हमारा भ्यूली में ब्रिज नया बना था, तो उसके बाद छोटी गाड़ियों के लिए उपयोग में लाया जा रहा था और उसकी मरम्मत भी की गई थी। डेक प्लेट्स जो उसके लकड़ी का था पहले, उनको बदल के लोहे का बना दिया गया था, परंतु अब जब नया पुल बन गया है और डबल लेन है जिसमें हमने फुटपाथ की सुविधा भी दी है आम पैदल यात्रियों के लिए, तो अभी सारी गाड़ियों का जो है वहां से आवागमन जो पुराने पुल से बंद कर दिया जाएगा, पूर्णतया बंद कर दिया जाएगा और उसको सिर्फ पैदल चलने के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा। और लोगों की कुछ और सुझाव होंगे
आम जनता के नागरिकों के सुझाव उस पुल के लिए होंगे तो उनके लिए उसमें ध्यान रखा जाएगा और उसे कार्यवाही की जाएगी। एक तरफ जहां नया पुल विक्टोरिया पुल को वाहनों के भार से मुक्ति दिलाएगा, वहीं यह दिनों दिन बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने में भी अहम कड़ी साबित होगा, क्योंकि इस पुल के बन जाने के बाद अब शहर के बाईपास के निर्माण की संभावनाएं भी प्रबल होने जा रही है। पोल स्टार हिमाचल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्रदेश से जुड़ी ताज़ा जानकारी और रोचक कार्यक्रमों के लिए घंटी वाले बटन को जरूर दबाएं और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।